तो गाइस अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी करेंगे, तो आएगा यहाँ पे जा जाएगा, तो आपको फिक्स कर लें। ब्रीद इन। Hey, welcome back to another vlog, guys. I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलो सुबह के बज गए 9:15 और लेट हो गए हैं। अब लेट होने का एक ही रीज़न है कि मैं सुबह रात को लेट सोता हूँ। लेट इसलिए सोता हूँ क्योंकि ऑफिस से आता हूँ, शिफ्ट ऐसी है मेरी, बट इट्स ओके, आदत पड़ चुकी है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें ना करें, अदरवाइज आपके हेल्थ इशूज़ बहुत हो जाएंगे। मतलब तो रही है फीवर चढ़ने वाला है, और लग भी रहा है कि फीवर चढ़ जाएगा, बट फीवर नहीं है। आई नो ये रेस्ट ना लेने की वजह से ये जो बॉडी की जो कंपन होती है ये होते, तो आप लोग भी ये चीज़ें ना करें। मेरे को थोड़ी सी आदत है, एक दिन सोच रहा हूँ मैं स्किप कर दूँ अपना व्लॉग, बट मन नहीं होता कि स्किप करूँ। तो चलो कोई बात नहीं, बट उससे पहले चीज़ दिखाता हूँ। ये लो देखो, ये अपना प्री वर्कआउट मील है, ये खाऊँगा। ये खाने के बाद आज जो वर्कआउट करूँगा ना, एक नंबर वर्कआउट करेंगे, एक नंबर। तो चलो आप लोग भी ये खा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ओट्स हैं, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, जिसमें कि आप लोग बिल्कुल सिंपल ओट्स खा सकते हैं। फटाफट अपना शूज़ डाल रहे हैं, और शूज़ डाल के भागम भाग होएगी। देखो थोड़े से बच गए मेरे से, बट कोई नहीं, चलते हैं और फटाफट अपना जिम चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। चलो कोई कबाड़ ना मम्मी, तू बता तबीयत तेरी कैसी है? तबीयत ठीक है ना? देखो गाइस, मम्मी की तबीयत ठीक ना, फिर भी कितना काम करती रहे। काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? खाना रख के पड़ेगा। किसे खवाएगी तू? सब खवाऊंगी। के खवाएगी? जो तुम खाओगे वही बना दूंगी। चल फिर ठीक है। आज क्या बनाया? अभी तो कुछ नहीं बनाया। चल ठीक है, चल हेलो कर दे सब। पहले थोड़ी सफाई करते हैं, हाथ से फिर बनाएंगे। चल सब हेलो कर दे फिर। हेलो भाई। चलो खुश रहो सब। चलो फोन आ गया भाई का। क्या तू रोज लेट हो जाता है, क्या कर रहा? क्या करता है तू? मैंने कहा मैं क्या करूँ बताओ, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं रोज जल्दी आऊँ, बट मैं लेट हो जाता हूँ। बट कोई नहीं, चलो फटाफट करेंगे अब अपनी इसको। जय श्री राम। करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं जिम के लिए। ये करेंगे, जय श्री राम। और गाड़ी में देखो डीजल भी कम है और ख़त्म हो गया है, तो आज डलवाएंगे अपना डीजल भी, और डीजल के साथ साथ अपने अंदर ना पावर भी डालेंगे। अरे पावर मतलब कुछ खाएंगे ऐसा। तो चलो बने रहो मेरे व्लॉग में, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ लाने की, जिससे आप लोगों का और इंटरेस्ट रहे आपके वर्कआउट की तरफ। तो चलो बने रहना, पूरा व्लॉग देखना भाई। तो भाई जिम आ गए हैं, अभी देखते हैं कौन सा वर्कआउट करेंगे। आयुष वगैरह भी आ रहे हैं। आयुष कल बोल रहा था कि भैया थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट करेंगे। मैंने कहा इतना तो अच्छा वर्कआउट कराता हूँ तेरे को, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। तो चलो आज मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉग बना लो। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, मिलते हैं आप। चलो पार्टनर आयुष, कैसा था इसका स्वाद, टेस्ट कैसा था इसका? ये हम नया प्री वर्कआउट लाए थे, C4 का मंगवाया था, तो मैंने कहा चल आयुष तेरे को बुलाता है। आयुष पीता नहीं है तो मैंने इसको पिलाया। सही था टेस्ट इसका ना, क्योंकि पीछे मैंने इसको एक दो बार अपना पिलाया था, तो उसमें क्या था इसको सही वो आया, पंप आया, तो वो लिया है तो अच्छा, इसलिए मैंने कहा चल तू मेरा वाला पी लिया अगर कुछ टाइम के लिए, तो तेरे भी अच्छा सा पंप। चलो आज का जो वर्कआउट रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो चीज़ है ये अभी क्या कर रहा है क्या नहीं। और ये देखो हमारा जिम का व्यू, ये देखो गोल्फ कोर्स वाला है, किसी मेरे भाई को आना हो तो आ जाए। ये इन दोनों में से मेरी कौन सी वाली है बताओ। ये लो बताओ कौन सी वाली है? देख ली होगी ऑलरेडी, मैंने आज शोल्डर वर्कआउट कराए हैं और बहुत क्रूशल और बहुत ही ब्रूटली अपने शोल्डर्स को ट्रेन किया है। तो चलो चार एक्सरसाइजेस में शोल्डर से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बताऊंगा इस वीडियो में, प्रैक्टिकली करके और बोलकर वर्बली आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता रहूँगा डिटेलिंग में। बट कोई भी मेरा भाई जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और अपनी स्ट्रेंथ अच्छी करना चाहता है, या फिर ये वाली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए, ट्रस्ट मी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, करके देखना। आपके रूटीन में कम से कम 24 से 48 घंटे तक ऐसे शोल्डर ना पंप रहेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, अभी भी ना मसल ऐसे टाइट हो रखी है ना, हद टाइट। देखो मतलब
सॉलिड तरीके से ये वाले को ट्रेन करेंगे, एक अपना पीछे वाले ट्रैप्स के लिए भी ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा, बट बताऊंगा जिस तरीके से सेम टू सेम वैसे ही वेरिएशन में करना है, और हो सके तो हैवी वेट पे करना, मज़ा आएगा। स्ट्रेंथ करनी है आज आप लोगों की अच्छे से, ताकि स्ट्रेंथ आपकी डेवलप हो। टेक्निकल चीज़ें तो मैं बताता रहता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे भी आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो चलो, ब्रॉड कैसे कर सकते हैं, अपने शोल्डर्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं बेस्ट तरीके से घर के अंदर, मेनली होगा ये वर्कआउट आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होम वर्कआउट पे बेस। चलो चलते अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। आओ, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी करेंगे रॉड पे। अगर आपके पास घर के अंदर रॉड नहीं है तो आप अपने ब्रिक्स से कर सकते हैं, ब्रिक्स नहीं है तो अपना जो भी चीज़ आपको लगता है कि इससे आप लोग कर सकते हैं अपना वर्कआउट शोल्डर का, तो सेम वेरिएशन में करना, सेम टेक्निक से करना। अगर आपके पास ऑब्वियसली अगर आपके पास वेट नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से जितना भी आपको वेट ठीक लगे वो यूटिलाइज कर लेना जुगाड़ के हिसाब से। बट मैंने 10 और 10 20 का वेट लगाया है टोटल। इसको इस तरीके से करेंगे, बिहाइंड द ग्रिप करेंगे इस वाली, पहले हमेशा हम फ्रंट करते हैं बट फ्रंट रेज करेंगे तो, बट इस तरीके से ग्रिपिंग रखेंगे। तो चलो, थोड़ा सा आप लोगों का इशू आएगा यहाँ पे ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर ना आए, ग्रिपिंग आप इस तरीके से रखना कि यहाँ पे आपकी जो रॉड रहेगी इस तरीके से, तो यहाँ पे रखना ताकि आपको इशू ना आए कोई भी। तो चलो, वाइड पकड़ना है इस पर, थोड़ा सा वाइड पकड़ना है, और जब नीचे आएगा तो स्ट्रेच करना है इस तरीके से। चलो, यहाँ पे आए और ये इस तरीके से हिट एंड डाउन, स्लो स्लो, ब्रीद इन, यहाँ पे पूरा टच करना। नाउ हिट, 1 2 3 and 4, ये पूरा टच किया मैंने, एंड हिट, डाउन डाउन, ब्रीद इन जरूर रखें, इनहेल जरूर रखें, एंड हिट, 1 2 3 and 4। इस तरीके से करना, कोशिश करना कि जो आपके इसकी ग्रिप रहेगी आपके यहाँ पे रख के करना, ताकि आपको कलाई में यानी कि रिस्ट रहेगी उस पर कोई इशू ना आए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए बॉडी के अंदर। 3 सेट लेना, लाइट करना है तो लाइट करो, मैं हैवी कंसीडर करूँगा थोड़ा, इतना भी नहीं कि आप 5 का कर रहे हो तो 7.5 ले सकते हो, 10 ले हो, इस तरीके से। चलो, रेपिटेशन आपके 12 रहेंगे, परफेक्ट पे चलते हैं। अपनी गाइज, अपनी जो सेकेंड एक्सरसाइज रहेगी आपके ट्रैप्स को, आपके ये वाले पार्ट को ट्रेन करेंगे, इस पर अच्छे से करेंगे। वेट लाइट रखना है क्योंकि इस पर थोड़ा सा जो पोजीशन रहेगा इंक्लाइन पोजीशन पे करेंगे, यानी कि इंक्लाइन बेंच पे करेंगे। अब ऑफकोर्स अगर आप होम वेज हैं, घर के अंदर कुछ लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो जो भी आपके पास लगे कि इस तरीके की पोजिशन में, इस तरीके की वेरिएशन में आपके पास है कोई चीज़, तो उसका यूज़ करें। होम वेस्ट वर्कआउट बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट है, करके देखना। आपके जो शोल्डर्स हैं ना, ये वाले एक नंबर तरीके से आएंगे। मुझे जो अपने शोल्डर्स में कमी लगती है वो लगती है ट्रैप्स की, ट्रैप्स से इधर वाली ये वाली, तो इसको अब मैं ज़्यादा थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा ट्रेन करने का। तो इस पर 3 सेट लेंगे, पर सेट पे एटलीस्ट 12 रेपिटेशंस लें, और इस तरीके से आगे आ जाएं यहाँ पे, इस तरीके से बिल्कुल, और सामने देखना है यहाँ पे, प्रॉपर हाथ को फिक्स कर लें इस तरीके से हाथ रखने अपनी कलाइयाँ, ताकि जब ऊपर आए तो हिट अच्छा लगे। चलो, स्लोली यहाँ पे हिट, डाउन, ब्रीदिंग करना है एंड डाउन, ब्रीदिंग एंड डाउन, ब्रीदिंग एंड डाउन, इसके 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे एटलीस्ट 12 रेपिटेशन लें, और हो सके तो इसी तरीके का कोई भी जो इक्विपमेंट हो आपके पास वो यूज़ करें। पैरों की वजह से अच्छी आपकी ग्रिपिंग बनेगी, बैलेंस बनेगा, और बैलेंस जब भी आपका अच्छा रहता है तो आप कंफर्टेबल होके और कॉन्फिडेंस होके वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं बेस्ट वेरिएशन में। तो गाइज, बहुत सारे लोगों को एक इशू बहुत होता है कि हम अपने शोल्डर्स को ब्रॉड कैसे करें, फ्रंट हेड को कैसे ब्रॉड करें, कुछ लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो चलो, आज आप लोगों की ये सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं, जो ये एक्सरसाइज रहेगी आपके इस वाले फ्रंट हेड को ब्रॉड करने के लिए मोस्टली ये वाली इम्पैक्ट करेगी। तो ये जो एक्सरसाइज रहेगी आपकी, रहेगी रॉड पे, वाइड एंगल से करेंगे,
करूंगा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर, सारी चीजें डिटेलिंग में बताएंगे। बट उससे पहले कोशिश करना अपना जो वेट रहेगा लाइट रखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन करेंगे। तो किस तरीके से रहेगा वो बताऊंगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से, मेरे इतने शोल्डर हैं तो मैंने इतनी ही ग्रिप रखी, हल्का सा पैरों को क्लोज रखें इस तरीके से, टिल्ट हो जाएं और यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखना और ये स्लो, कोशिश करें अपनी बॉडी के पास वेट लिफ्ट करना है, यानी कि रॉड को लिफ्ट करना है और इस तरीके से। आप मेरी कोनियां देखें, एल्बो देखें, मैंने बिल्कुल ओपन किए हैं ताकि हिट अच्छा लगे, और यहाँ पे हिट किया एक सेकंड के लिए होल्ड और स्लोली स्लोली डाउन। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, करके देखना, ये इस तरीके से डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कोशिश करना जब नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आपके, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वो मिस्टेक्स ना हो, कोशिश करें जो मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूँ स्लोली स्लोली एक्सरसाइज करते हुए जो चीज दिखा रहा हूँ वो एकदम गौर से देखें, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें, जो बोल रहा हूँ वो सुने ध्यान से, तो दोनों चीजों को कंबाइन करके आप लोगों को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा एक वर्कआउट को करने के लिए। तो चलो तीन सेट लेने हैं, लाइट वेट पे रखना, 12 से 13 15 जितने भी आप मैक्सिमम रेपिटेशन निकाल सकते हैं निकालना। चलो चलते हैं लास्ट और बेस्ट एक्सरसाइज पे। चलो तो गाइस अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी बहुत ही डिफरेंट वेरिएशन में करूंगा, लाइट वेट से करना, इस पे कोशिश करना कि जितने ज्यादा रेपिटेशन आप निकाल सकें वो निकालना, और इस पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों को आएगी सबसे ज्यादा बैलेंसिंग की, तो कोशिश करें कि दीवार से लग के ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करें ताकि आपके लोअर बैक पे भी कोई इशू ना आए, सिर्फ और सिर्फ आपके शोल्डर्स की मूवमेंट हो, ट्रेन कर पाए शोल्डर मसल को और अच्छे से डेवलप कर पाए। चलो मैंने सिर्फ 2.5 और 2.5 टोटल हो गया मेरा 5 का वेट, और इस तरीके से दीवार की साइड पे अटैच हो जाना है अपने आप को लेकर, और यहाँ पे इस तरीके से रखना है अपने वेट को यहाँ पे, और ये हिट करना है अपने शोल्डर को और यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा आगे की तरफ, सिंपल breathe in and hit slowly down, breathe in and hit slowly down, breathe in and hit slowly down। इस तरीके से करना, लाइट वेट करोगे तो आपको किसी दूसरे एंगल पे यानी कि दूसरे मसल पे या बोन पे कोई इशू नहीं आएगा, अटैच करना अपने आप को, सपोर्ट लेना किसी दीवार से पिलर से, जैसे कि मैंने बेंच से लिया है तो इजीली ये वाली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करके दिखाई है। 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे एटलीस्ट 12 रेपिटेशंस लें, वेट मत बढ़ाना, एक ही वेट पे स्टेबल होके करना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि किस मसल को आप ज़्यादा हिट कर रहे हैं। तो चलो आई होप कि आप लोगों को ये वाली जो सेशन है, ये जो व्लॉग है, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं बताई हैं पसंद आए तो प्लीज़ एक मोटिवेशनल पॉजिटिव अप्रिशिएट वाला कॉमेंट ज़रूर डालें ताकि और मोटिवेशन आए मेरे को और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा, और आप लोग खुश हो जाएं। तो चलो सब्सक्राइब ज़रूर करना कोई भी मेरा भाई चैनल पे नया है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वेरिएशन के साथ, नई एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। चलो टेक केयर, बाय बाय।